फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को अगले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इंटरिम बजट पेश करने वाली हैं। सीतारमन भारत के इतिहास में लगातार छठा बजट पेश करने वाली दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाली हैं। लेकिन क्या आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पेशल टीम को जानते हैं जो पूरे देश का बजट बनाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस टीम में है टीवी सोमनाथन, जो सबसे सीनियर है फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर के बाद। सोमनाथन के पास फाइनेंस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी सोमनाथन ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया था। वो PM मोदी के भी करीबी हैं। अगले हैं इस लिस्ट में अजय सेठ, कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर। अजय सेठ फाइनेंस मिनिस्टर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। सेठ ने भारत के पहले सोवरन ग्रीन बॉन्ड जारी करने और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय के निर्माण की भी पहल की थी। इसके बाद इस टीम में है तुहिन कांता पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी। तुहिन कांता पांडे को एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन और LIC के IPO में निभाई भूमिका के लिए जाना जाता है। पांडे ओडिशा कैडर के 1987 बैच के अधिकारी हैं। इसके बाद हैं राजस्थान कैडर के 1990 बैच के अधिकारी संजय मल्होत्रा। फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा। बजट प्रक्रिया में मल्होत्रा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। साथ ही उन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बजट भाषण के भाग बी को तैयार करने की भी जिम्मेदारी होती है। इस टीम में पांचवे नंबर पर हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी बजट पर वित्त मंत्री के सलाहकारों के ग्रुप में सबसे नए सदस्य गिने जाते हैं। नवंबर 2022 में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के अधिकारी जोशी ने जिनेवा यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। इसके बाद छठे नंबर पर हैं इस टीम में वी अनंथा नागेश वरन। वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उन्हें एक लेखक और शिक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। वो इकोनॉमी के मसले पर सीतारमन के सबसे करीबी एडवाइजर्स में से एक हैं। वो ग्लोबल उठा पटक पर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की देखरेख भी काफी बारीकी से करते हैं। तो ये वो 6 लोग हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ मिलकर देश का यानी आपका बजट बनाते हैं। कैसा लगा आपको इन 6 लोगों की टीम से मिलकर? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।